नमस्ते भाइयों बहनों, आज हम कर रहे हैं पिक्चर सांड की आंख का रिव्यू जो हम एक हफ्ते बाद देख आए हैं। तो पहली चीज आपको बता दे, जब 2 साल पहले हमने नकली मसाबा प्रिंट का साड़ी खरीदा था तो हमारी कमिटी वाली फ्रेंड्स हम पे बहुत हंसी थी कि ये क्या सांड वाला साड़ी खरीद ली हो, पर आज हमको इसका वैल्यू समझ में आ रहा। कहा है कि पूरी पिक्चर बना दी सांड की आंख आंटी की साड़ी के ऊपर। हाँ, अब सब जल रही हैं हमसे। तो हम आपको बता दें कि ये जो पिक्चर है इसका कास्टिंग को लेके बहुत अनबन हुआ था लोगों में। ट्विटर में कह रहे थे कि जवान लड़की लोग को ले लिया बुढ़े की पिक्चर में, पर ऐसा आपको बता दें कि तापसी पन्नू और भूमि पेडनेकर ने इतना बढ़िया एक्टिंग किया है कि हम तो बिलीव कर गए कि ये दोनों बुढ़ी हैं। हाँ, तो थोड़ा उनका मेकअप ऊपर नीचे था पर कोई फर्क नहीं पड़ता, परफॉर्मेंस हमने देखी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस थी। दूसरा, सह कलाकार जो लिए हैं सब बहुत बड़े हैं, छोटे रोल में बड़े रोल में सब सह कलाकार बहुत अच्छा है, जिसमें से कि बेस्ट हैं विनीत कुमार जो इनके बने हैं कोच। तो विनीत बेटा, पहले ही आपको हम इतना आशीर्वाद दे चुके हैं, फिर से ले लो आशीर्वाद, काहे कि आप बहुत तरक्की करोगे। दूसरा, प्रकाश झा जो निर्देशक हैं स्वयं, वो बने हैं इस पिक्चर के विलेन और उन्होंने भी बहुत बढ़िया काम किया। वैसे बिहारी हैं हाँ, लेकिन हरियाणवी रोल एकदम बढ़िया उन्होंने कर दिया है। तो आपको भी बहुत बहुत बधाई। आशीर्वाद तो दे नहीं सकते, उम्र में आप हमसे बड़े हैं, पर आपको बहुत बधाई। अब आपको बताते हैं थोड़ा कहानी के ऊपर। कहानी क्या है राजा, ये जो रियल लाइफ की दो हीरोइन हैं चंद्रो तोमर और प्रकाशी तोमर, जिनको शूटर दादी के नाम से जानते हैं, उनके रियल लाइफ पे बेस्ड ये कहानी है। और अगर आपको नहीं पता है ये दोनों लेडीज कौन है तो अभी जाकर इनको गूगल कर लो, ठीक है राजा। तो प्रकाशी तोमर और चंद्रो तोमर जो हैं, उन दोनों ने मिलके पूरा एक डिस्ट्रिक्ट में जितना बच्चा लोग होता है उतना बच्चा पैदा किया। और जब दादी की उम्र में आई तब उनको एहसास हुआ कि शूटिंग में भी रुचि ली जा सकती है, उनको शूटिंग का चस्का लग गया। नहीं, हमारे जैसा वीडियो बनाने का शूटिंग वाला चस्का नहीं, गोली चलाने वाला चस्का, हाँ वो ऐसा वाला शूटिंग। और उसमें उन्होंने देश और विदेश में बहुत नाम जो है कमाया। तो ये जो है फिल्म, वो है विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ये पिक्चर है। और इसमें दर्शाया गया है कि औरत अगर ठान ले तो कोई भी उम्र हो वो औरत नंबर वन बने जाती है, जैसे हम नंबर वन रिव्यूअर अब बनने वाले हैं। हाँ, सही बता रहे हैं, आपके आशीर्वाद से। वैसे पिक्चर का एक छोटा गलती हम फिर भी पकड़ लाए हैं, काहे कि जब प्रकाश झा को पहली बार पता चलता है लड़कियां सब अपना मेडल पहन के घर में आ जाती हैं, उनको बिना कहानी बताए सब कहानी पता चल जाता है। वो कहते हैं अच्छा तो तुम लोग ये कर रही थी, अच्छा तुम्हारा कोच वो डॉक्टर है, तो राजा किसी ने उनको बताया तो नहीं, वो अपने आप ही सब समझ गए। तो ये हमको थोड़ा खटका, मतलब अंतर्यामी जैसा उनको दिखा दिए हैं, ऐसा ठीक नहीं है। एक लाइन डायलॉग रख लेते तो और बढ़िया हो जाता, ये छोटा गलती हम पकड़े हैं। बाकी तापसी पन्नू का जो एक डायलॉग है जिसपे खड़े होके आंटी ने ताली बजाई, वो डायलॉग हम आपको बता देते हैं। काहे कि मर्दानगी बंदूक और मूछों में नहीं होती राजा, मर्दानगी जिगर में होती है। वाह, क्या लाइन बोले तापसी बिटिया, एक्स्ट्रा आशीर्वाद आपको। दूसरा, हम बता दें भूमि पेडनेकर ने जो भूमिका निभाई है, बुजुर्गों का चाल ढाल और कैसा धीमे धीमे वो लोग, उनका बॉडी का लैंग्वेज जो है वो भूमि पेडनेकर ने बहुत बढ़िया पकड़ा है। तो बेटे आप, स्पेशल मेंशन आपको, ठीक है। तो ये विमेन एम्पावरमेंट का जो है पिक्चर है, और हर औरत को, हर मर्द को ये पिक्चर जरूर देखना चाहिए। तो आप लोग भी देख के आओ और हमको बताओ आपको कैसी लगी, ठीक है। अच्छा, चलते हैं, चाय चढ़ाइए।